ज मार्केट स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बेस्ट ऑन दिस नमस्कार आदाब जय श्री राम हितांशु बगा है मेरा नाम और स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में जहाँ पे हम एक वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी जिसे हम स्ट्रेटल उसके उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे एक प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर कंसिस्टेंटली थ्री टू फोर परसेंट पर मंथ ये स्ट्रेटेजी को यूज करके कमा सकता है आप भी इसे अपने पोर्टफोलियो में डिप्लॉय कर सकते हो बट ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है बट इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है जिस जिसके हम डीप डाइव करके समझेंगे कि लोग जहां गलतियां करते हैं जहां फेल होते हैं वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको ये स्ट्रैडल के ऊपर और कोई भी वीडियो देखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आइए चर्चा करते हैं तो दोस्तों पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रैडल होता क्या है देखिए मैं आपको थ्योरी में अंदर जाके और वो ड्राइंग बोर्ड पे ये सब दिखा के आपको बोर्ड नहीं करूंगा आपने ऑलरेडी बहुत वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे या आप दूसरी वीडियो जाके समझा देख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज कर सकते हो किस सिचुएशंस में आपको इसमें एडजस्टमेंट्स करने कहाँ पे स्ट्रैडल फेल होते हैं और लोग लॉसेस करते हैं हाँ ये ये हम पूरा आगे आगे धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रैडल होता क्या है देखिए स्ट्रैडल एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसमें सेम एक्सपायरी की एट द मनी कॉल या पुट एट द मनी इज नॉट कम्पल्सरी बट सेम स्ट्राइक का कॉल एंड पुट बेच करके आप एक स्ट्रैडल सेल कर सकते हो या उसे खरीद के आप स्ट्रैडल बाय कर सकते हो बट मैं नॉर्मली स्ट्रैडल सेलिंग की बात करूंगा क्योंकि मेरे जैसे जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं जो लार्ज कैपिटल संभाल रहे हैं वो लोग सेलिंग साइड पे ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज विद दैट सेलिंग यू कैन डिप्लॉय लार्जर कैपिटल अब लोग स्ट्रैडल क्यों प्रेफर करते हैं मैं भी स्ट्रेटल काफी प्रेफर करता हूँ ये प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये वेरी हाई प्रीमियम है इसमें जो uh, क्योंकि आप एट द मनी के आसपास या एक डायरेक्शनल व्यू कर रहे हो सेम आप कॉल एंड पुट बेच रहे हो तो आपको प्रीमियम का कलेक्शन जो होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है और ज्यादा प्रीमियम का क्या मतलब होता है कि आपके पास इतना बड़ा बफर है टू प्ले अराउंड और आपके पास इतनी बड़ी रेंज हो जाती है फॉर एग्जाम्पल अभी निफ्टी पच्चीस हजार के आसपास है अगर आप नेक्स्ट मंथ जो कि अक्टूबर की सीरीज है उसका स्टार्टल देखोगे तो आपको पांच सौ पांच सौ छह सौ छह सौ पॉइंट के प्रीमियम मिलेंगे इन दैट सेंस आप आपको एक हजार बारह सो पॉइंट की निफ्टी की मूवमेंट मिल रही है तो योर ब्रेक इवन विल बी एट ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इतनी बड़ी मूवमेंट देगा और अगर मूवमेंट देता भी है तो देर आर वेरियस स्ट्रेटेजी जिससे आप उसको रीबैलेंस uh, कर सकते हो फायर फाइटिंग जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में और उसमें एडजस्टमेंट्स करके यू कैन कम आउट विद अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट अब बेसिकली uh, uh, ये जो स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी है ना उसे मैं और काफी प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स जिनको मैं भी जानता हूँ वो एक हम लोग एक अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ कैपिटल या फोर्टी परसेंट ऑफ कैपिटल पे इसको डिप्लॉय करके एक एज अ रेफरेंस ट्रेड पकड़ते हैं क्योंकि स्ट्रैगल ना थोड़ा जल्दी सबसे पहले फेल होते हैं हमने मेरे प्रीवियस वीडियो में स्ट्रैंगल के ऊपर भी बात किया था और उसमें मैंने आपको दिखाया था एक नो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो थी कि आप स्ट्रैंगल में लॉस कर ही नहीं सकते अगर आप आपको चाहिए तो मैं वो वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा आपको देखिएगा कि अगर वो आप प्रकार से करोगे तो आपको उसमें लॉस होना नेक्स्ट टू इम्पोसिबल है सिमिलरली जैसे स्ट्रेडल होता है स्ट्रेडल जैसे हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे ब्रेक इवन पॉइंट के तो बहुत पहले हमने फिबोनाची का यूज करकेर वी नीड टू अडजस्ट दिमिल सिमिलरली अगर आप स्ट्रेडल को देखोगे तो दिस विल फेल फास्टर फास्टर देन देंगल और उसका रीजन ये है क्योंकि आप जो क्लोज टू मनी या एट द मनी आप जो कॉलर कुछ सेल कर रहे हो उसका डेल्टा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है बहुत ज्यादा ऑपोजिट आपके डायरेक्शन से ऑपोजिट हो जाता है अगर आप उसे चलने देते हो देरफोर दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट डिप्लॉय एंड फगेट स्ट्रेटेजी दिस इज अ वेरी एक्टिव स्ट्रेटेजी और जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें आप क्योंकि आपके पास इतना हाई प्रीमियम है आप मंथली बेसिस पे थ्री टू फोर परसेंट का टारगेट रख सकते हो तो अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ऑब्वियसली वो फ्री में बैठे बैठाए तो नहीं आएंगे तो आपको इसमें ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है ये स्ट्रैटेजी में मगर ये बहुत सेफ स्ट्रैटेजी है मैं जीरो रिस्क तो नहीं कहूंगा क्योंकि जीरो रिस्क मार्केट में कुछ नहीं होता है देखिए रिस्क रिस्क की बात अगर करें तो रिस्क क्या होता है रिस्क इज डूइंग समथिंग विच यू डोंट अंडरस्टैंड अभी जैसे uh, अगर आपको एयरप्लेन चलाने आती है आप पायलट हो तो आप एक एयरप्लेन चला सकते हो राइट right? बट अगर उसी पायलट सीट पे अगर आप किसी फ्लाइट पे गए हो और चांस खुदा ना खास्ता पायलट को कुछ हो गया और आपको उठा के उस कुर्सी पे डाल दिया तो तो आप प्लेन क्रैश करोगे ही करोगे मेरे को बिठा दिया तो मुझे तो प्लेन चलाने आती नहीं है तो मैं तो प्लेन क्रैश ही कर दूंगा फिर बोलोगे कि फ्लाइंग बहुत रिस्की है वेरा एज फ्लाइंग इज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देरफोर रिस्क रिस्क जो आता होता है ना uh, बोला जाता है मार्केट में कि सेलर को अनलिमिटेड लॉस है अनलिमिटेड रिस्क है दैट रिस्क कम्स फ्रॉम डूइंग समथिंग विच यू डोंट अंडरस्टैंड विच यू डोंट अप्रिशिएट आपको पता ही नहीं है क्या करना है और आप उसमें आप खेले जा रहे हो खेले जा रहे हो तो उसमें रिस्क है दैट इज वाई मैं आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स और एग्जाम्पल्स बैक टेस्टिंग के साथ भी दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन इवन हैव अ रिस्क फ्री स्ट्राइडल तो ये हमने एक स्ट्राइडल की बेसिक थ्योरी समझ दी आ, अब आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइडल एंड स्ट्रैंगल्स एंड आयरन कॉरिडोर जिस आयरन कॉरिडोर से भी इसको बहुत कंपेयर किया जाता है तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आयरन कॉरिडोर जो होते हैं उसके जब तक ब्रेक इवन पॉइंट पे आप मार्केट जाता नहीं है जब तक यार आपका ब्रेक इवन पॉइंट ब्रीच नहीं हुआ है वो आप उसे नॉर्मली छेड़ते नहीं है दैट इज वॉट नॉर्मली पीपल फॉलो बट अ स्ट्रैडल आप वैसे छोड़ के उसको रख नहीं सकते आपको डेफिनेटिव पॉइंट्स लगेंगे कि कहाँ पे आपको स्ट्रैडल को चेंज करना है या आपको रोल uh, ओवर करना है या एडजस्टमेंट्स करनी है एंड अगर आप मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी थी कि फिबोनाची का यूज करके हमने कैसे एक स्ट्रेंगल में आ, हमारी रेंज डिफाइन की और उसमें हमने प्रॉपर डेफिनेटिव पॉइंट्स मार्क किए कि कहा हम उसे एडजस्ट करेंगे वैसे ही स्ट्रैडल में आ, हम फिबोनाची हम, हम क्योंकि जब भी, भी एक एडम अनी कॉल एंड पुट सेल करेंगे तो हमें एक डायरेक्शन मिले हमें एक रेंज मिलेगी मार्केट की उसके वो रेंजेस को हम जैसे नॉर्मली फिबोनाची से प्लॉट करते हैं वो मार्क करके हमें पॉइंट्स मिल जाएगी बट स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में हम जैसे जिससे फॉलो करते हैं जैसे मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी करता हूं

अब आए एडजस्टमेंट्स की बात करने तो नॉर्मली जो है वो लोग जो करते हैं स्टैडल को एक शिफ्ट करते रहते हैं जैसे पच्चीस हजार पे आपने स्टैडल लगाया अब मार्केट पच्चीस तीन सौ पे आ गई चार सौ पे आ गई तो उसको स्टैडल को वहां पे रोल कर देते हैं सिमिलरली ऑन दी डाउन साइड डेल्टा मैनेजमेंट भी करते क्योंकि पच्चीस हजार पे आपने स्ट्रेडल लगाया था आपको चार सौ पांच सौ पॉइंट का प्रीमियम मिला जब मार्केट पच्चीस हजार चार सौ पे गई तो आपका कॉल जो है वो अबाउट सात सौ आठ सौ रुपए का हो जाएगा इनपुट आपकी दो सौ ढाई सौ की बचेगी तो वो आठ सौ को आठ सौ मैनेज करने के लिए इन द मनी पुट भी बेची जाती है बट वो सब ना मेरे हिसाब से एक गलत स्ट्रेटेजी होती है एज यू नो मी अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आई बिलीव इन सिंपल टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेंड फॉलोइंग क्योंकि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटर्जीज ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल नहीं रहती है इन द लॉन्ग रन जैसा कि हमने मार्केट्स देखी है एक एक महीने में आठ आठ दस दस परसेंट की भी मूव आ जाती है और हम उसी एग्जांपल्स को देख के स्टडी करेंगे बट इन अ सेंस अगर आप एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेंड फॉलोइंग करो तो स्ट्रेडल के पास क्योंकि आपके पास इतना प्रीमियम है तो आप बहुत इंटरेस्टिंग uh, एडजस्टमेंट्स कर सकते हो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वेज जहां पे मैं इसे मैनेज करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेडल है और uh, एक वन डायरेक्शनल मूव आ गई मार्केट में समझो फॉर ऑन दी अपसाइड तो आपका कॉल लॉस में होएगा राइट सो आई प्रीफर टू बुक द लॉस इन द कॉल और ऑब्वियसली पुट तो जीरो नहीं हुई है आई कन्वर्ट दिस एग्जिस्टिंग पोजिशन इन टू अ स्ट्रेंगल और एट द मनी कॉल इन पुट मैं करता हूँ तो आपके पास साइमिलटेनियसली एक स्ट्रैडल भी हो गया स्ट्रेंगल भी हो गया और उसमें मैं एक डिरेक्शनल वाइज प्ले करने की कोशिश करता हूँ इसमें आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगा दैट इज वाई आई सेट के नॉर्मली जो ऑप्शन सेलर्स है वो थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट से स्ट्रेडल डिप्लॉय करते क्योंकि आपको अगर एडजस्टमेंट करनी पड़े तो आपको और थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एंड एट द एंड ऑफ मंथ आप एक प्रॉफिटेबल उसमें बाहर आ जाओ दूसरा आ, मैं जो एक बहुत आ, अपने अकाउंट में यूज करता हूँ प्रोसीजर कि अगर मुझे मार्केट डायरेक्शनल uh, लग रही है जो कि नॉर्मली मार्केट रहती है इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम दैट वी ट्रेड एंड बाय शॉर्टर टाइम फ्रेम्स अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि आई यूज द थर्टी मिनट्स टाइम फ्रेम एंड आई स्वेयर बाय दैट टाइम फ्रेम बिकॉज एक पोजिशनल ट्रेड के लिए दैट आई फील इज द बेस्ट टाइम फ्रेम एंड मैंने काफी मेरे यूट्यूब पे वीडियोस पे बात भी किया है तो एक अगर आपके पास डायरेक्शनल बायस हो तो उसे एक उस डायरेक्शन में एक हेज कर दे तो इट इज लाइक अ जेड जिसको बोलते हैं सो इट्स अ मिक्स बिटवीन अ आयन कॉन्डोर एंड अजर्ट बट जिस जिस डायरेक्शन में हमें मार्केट दिख रहा है हम उसे हेज करके फिर धीरे धीरे स्ट्राइट को शिफ्ट करेंगे थर्डली अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा एक डायरेक्शनल व्यू आ रहा है जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी एग्जांपल में आठ आठ दस दस परसेंट की मूव आई है और हमें पता होता है कि मैक्रो इवेंट्स की वजह से वैसा कुछ होने वाला है देन जो मैंने स्ट्रैडल का आ, सेल कर रखा है जो प्रीमियम उठा रखा है वो प्रीमियम से मैं डेबिट मैं क्रेडिट से डेबिट में चले जाऊंगा मीन्स आई एल गो एंड बाय वेरी गुड ऑप्शन यू नो मतलब उसके अगेंस्ट थ्री टाइम्स फोर टाइम्स भी ऑप्शन बाय कर सकते हो जो डेबिट जिसको रेशियो बैक स्प्रेड बोलते हैं तो आई वुड कन्वर्ट दैट यूज दिस प्रीमियम टू टू बाय ऑप्शन अगर मेरा बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत ज्यादा बेरिश है तो डिपेंडिंग ऑन द व्यू आप क्योंकि आपके पास इतना क्रेडिट है उसकी वजह से आप ये स्ट्रेडल को आप विभिन्न तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो प्लेआरऑन कर सकते हो एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी वन थिंग टू कीप इन माइंड कि अगर आप स्ट्रैडल्स को ट्रेड करोगे और आप प्रोफेशनली ट्रेड uh, करना चाहते हो वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रैडल एक बहुत हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है ये मैंने आपको पहले भी बोला है देरफोर इसमें आपको इवेंट रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स में भी दिखाऊंगा जैसे अभी हाल ही में हमारा इलेक्शन थे डिसम्बर में हमारे फाइव स्टेट के इलेक्शन का रिजल्ट आया अब ये रशिया यूक्रेन वॉर है अब आज के तारीख में आज की अगर बात करें तो नेक्स्ट वीक यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग है जिसमें वो लोग इंटरेस्ट रेट्स करने वाले सो यू नो देर आर टू टाइप ऑफ इवेंट्स वन इज प्रीटर प्री डिफाइंड इवेंट जिसका आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो आउटकम आने वाला है सी द आउटकम ऑफ द आउटकम ऑफ द इवेंट में भी अनोन जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक्सिट जब हुआ था जिस दिन हुआ था जिसने ब्रेक्सिट प्रपोज किया था उसे भी नहीं पता था कि ब्रेक्सिट फॉलो थ्रू होगा मतलब वो कंप्लीट प्रोसीजर होगा कि नहीं तो इवेंट का आउटकम की मैं बात नहीं कर रहा हूं बट आपको ये तो पता है कि इवेंट है सो दिस इज वॉट आई कॉल अ नोन इवेंट अनोन इवेंट होते हैं जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया इराक एंड हिजबुल्ला uh, ये जो भी वॉर पूरा चल रहा है इराक ईरान का वो सब हो गया दोज आर अनोन इवेंट्स देरफोर इफ यू आर वॉन्टिंग टू ट्रेड अ स्ट्रेडल आपको इवेंट्स को बहुत क्लोजली मैच करना पड़ेगा अब अनन नोन इवेंट्स लाइक वॉर अर्थक्वेक जपान में अर्थक्वेक हो गया था थोड़े दिन पहले तो वो सबको तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें तो लॉस होगा तो सभी को लॉस होगा तो आप, आपको आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती की वजह से या कोई आपकी स्टूबिलिटी की वजह से आपको लॉस हो रहा है बट जो नोन इवेंट्स है उसमें आपको कंप्लीटली इसको रिस्क फ्री हैज करना पड़ेगा एंड द बेस्ट वे टू हेज इट इज टू जस्ट गेट आउट ऑफ द मार्केट और इवेंट खत्म होने के बाद रीडिप्लॉय करो आप मैं आपको मेरा लाइव एग्जाम्पल देता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक सॉरी यूएस फेडरल रिजर्व की आउटकम है अब दिस मंथ आज ऑलरेडी यू नो एक डेढ़ हफ्ता ही हुआ है इस मंथ के एक्सपायरी को बट आई हैलरेडी अचीव थ्री पॉइंट फाइव परसेंट रिटर्न ऑन माई कैपिटल विच इज अ वेरी हाई रिवॉर्ड हाई रिटर्न जो इस महीने ऑलरेडी हो गया है देरफोर आई हैोजिशन और मैं आप शांति से बैठा हूँ आज तो थर्सडे है आज वीकली एक्सपायरी हो रही है मैं नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के बाद ही मार्केट में एंटर करूंगा तभी तक यू नो मैं आपके लिए एक ऐसे नॉलेजेबल वीडियो और ये सब कर रहा हूँ तो मिटिगेट I mean करना ही पड़ेगा दूसरी चीज है कि आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको के एक नजर रखनी पड़ेगी आपके पीछे मेरे इतने सारे स्क्रीन दिख रहे हैं उसमें से एक स्क्रीन डेडिकेटेड है ओनली फॉर वीक्स की चार्ट ऑन अ मल्टी टाइम फ्रीमिस अभी वो सब मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करूंगा बट आपको वीक्स देखना ही पड़ेगा बिकॉज सी वीक्स जो स्ट्रेडल है दैट इज अ वेरी हाई प्रीमियम आपके पास इतना प्रीमियम आ रहा है उसकी वजह से जो वेगा होता है जिस, जो आप जानते हो गए इट्स अ वेरी हाईली नेगेटिव वेगा स्ट्रैटेजी तो इसमें आपका यह है कि विक्स और वोलेटिलिटी शुड फॉल दैट इज वॉट यू वॉन्ट अगर इस सिचुएशन में आपने स्ट्रैट डिप्लॉय किया हुआ है एंड द वोलेटिलिटी स्टार्ट टू शूट अप स्पेशली नियर अ इवेंट जो आप जैसे मैंने आपको डिस्कस किया उस टाइम आपको बहुत लॉसेस होगा क्योंकि जब विक्स बढ़ता है मैं आपके साथ बार बार शेयर भी करता हूं मार्केट इज ट्राइंग टू फैक्टर इन अ बिगर मूव तो मूव भी आएगी और इन दैट सेंस अगर अप साइड मूव आई विक्स गोइंग अप आपके कॉल के प्रीमियम तो बढ़ेंगे बट पुट्स के प्रीमियम शूट डाउन नहीं कोलैप्स नहीं करेंगे एंड सिमिलरली ऑन दी डाउन साइड तो ये होता ही होता है कि पुट के प्रीमियम बढ़ते रहते बढ़ते रहते कॉल के प्रीमियम कोलैप्स नहीं होते सो यू विल हैव टू अ वॉच ऑन विक्स एंड यू विल है स्टॉप लॉस इवन इन वीक्स एंड वॉलेटिलिटी अगर आपको स्ट्रेडल्स कंसिस्टेंटली ट्रेड करने हैं इट इज नॉट इम्पॉसिबल आप इसको बहुत इजीली एक सिस्टम बना के आप उसको ट्रेड कर सकते हो बट दीज आर जिस थिंग्स दैट यू वांट टू कीप यू नो आपको नजर रखनी पड़ेगी और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी तो आइए कंप्यूटर पर जाके आपके साथ में एग्जाम्पल शेयर करूंगा जिसमें मार्केट में मूवमेंट uh, आई एंड इवेंट्स को भी कैसे हम प्ले आउट कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले हमें uh, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको स्ट्रेडल जो डिप्लॉय करना है कि हमारे क्या कंडीशंस है हम किस दिन इसको डिप्लॉय करेंगे और हम क्या प्रॉफिट करेंगे तो आइए हमारे कंडीशंस जो स्टैडल के डिप्लॉयमेंट के कंडीशंस है उसे समझ लेते देखिए नॉर्मली मैं ना स्टैडल्स सिर्फ मंथली एक्सपायरी में डिप्लॉय करता हूँ बेसिकली वीकली में आपके पास टाइम ही नहीं होता है और अगर मूवमेंट आ, आ गई तो आपके पास गैमर रिस्क की वजह से टाइम ही नहीं बचेगा कुछ भी एडजस्टमेंट करने को देरफोर uh, मैं इसे मंथली में नेक्स्ट लिए मैं डिप्लॉय करता हूँ जैसे आज समझो बारह तेरह तारीख है ऑफ सप्टेम्बर uh, तो मेरे को मैं पंद्रह सोलह तारीख के आसपास नेक्स्ट मंथ मतलब अक्टूबर के सीरीज में मैं uh, इस चीज को प्लान करूंगा एज आई साइड के गैमर uh, रिस्क से हमें uh, बचना है तो जो हम इस महीने के पंद्रह तारीख को इसको डिप्लॉय करेंगे वो हम अगले महीने के पंद्रह तारीख तक या जो थर्ड एक्सपायरी चालू होगी उस मंथ की उससे पहले हमें कंप्लीटली इस, इसको एग्जिट कर देना है नॉर्मली तो हम लोग प्रॉफिटेबली रहेंगे बट उसको हम एक्सपायरी फाइनल एक्सपायरी तक नहीं होल्ड करेंगे बिकॉज ऑफ कैमरा रिस्क सेकंड कंडीशन है पोजिशन को सिर्फ थर्टी मिनट्स में हम ट्रैक करेंगे uh, जैसे कि आपने पहले भी मेरे वीडियोज में देखा था थर्टी मिनट्स में जो इल लॉजिकल प्राइस एक्शन मूवमेंट और इल लॉजिकल व्पसॉस होते हैं वो काफी फैक्टर इन हो जाते हैं थर्ड कंडीशन मेरी ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्ट्रैंडल एक दिन में फेल हो रहा है जैसे कि हम लोग फिबोनाची लेवल्स मार्क करेंगे वी विल डिफाइन प्लेसेस के हमें कहाँ पे हमारे स्टैंडल को एडजस्ट करना है तो जिस दिन आपको अगर लग रहा है कि प्राइस एक्शन आपके लेवल के ऊपर हो गया है उस दिन में इमिजिएटली उसको मूव नहीं करना है बिकॉज हम स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं और याद रखिये यार दोस्तों ये सब जो है मैं स्ट्रैडल के हिसाब से ही बोल रहा हूँ जैसे हम कंप्यूटर में देखेंगे भी तो, आ, मैं आपको आ, स्टेप बाय स्टेप सब करके दिखाऊंगा तो अगर हमारी रेंज ब्रेक होती है ना तो उस दिन के लिए हम उसको उस टाइम के लिए हैच कर देंगे दोपहर के तीन बजे तीन सवा तीन बजे तक और वो जो हैच हम करेंगे या जो एक टेम्पररी उसका ऑपोजिट ट्रेड ले लेंगे उसको हम स्क्वायर ऑफ करके सवा तीन बजे तक सवा तीन तीन बीस तक हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हम जो मार्केट में विपसॉस होती है ना कि मार्केट ऊपर गया और सडनली नीचे आ गया तो उसका हमको इस चीज में बेनिफिट मिलेगा एज ऑलवेज फोर्थ कंडीशन मेरी है कि हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस यूज करेंगे नथिंग कॉम्प्लिकेटेड फिफ्थ कंडीशन है कि हम जो हमारा कैपिटल है उसका थ्री परसेंट या फोर परसेंट का ही हम टारगेट रखेंगे देखो आप टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट की बिल्कुल भी अपेक्षा मत रखना अगर आपका वो टारगेट है टेन परसेंट फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट पर मंथ तो भैया राम आपको बचाए राम जी बचाए आपको और मार्केट आपके लिए जगह नहीं है तो थ्री परसेंट फोर परसेंट हमें दिख गया हम कंप्लीटली स्ट्राइटल को एग्जिट कर लेंगे एक दो दिन का ब्रेक लेके पूरा कूल ऑफ माइंड को कूल cool ऑफ करके फिर हम वापस से अगर आपको री डिप्लॉय करना है तो करेंगे तो इसके हिसाब से जो करंट लॉट साइज निफ्टी का पच्चीस का है उसके हिसाब से ट्रेड का अराउंड एटी फाइव नाइनटी नाइनटी फाइव थाउज आता है डिपेंडिंग ऑनलडिलिटी इन द मार्केट तो ये जो नाइनटी थाउजेंड है उसका थ्री परसेंट अगर हम करें तो उसका अबाउट टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड या थ्री थाउजेंड के आसपास की कोई फिगर आती है तो हम नॉर्मली जैसे मेरे स्ट्रैंगल की वीडियो में भी आपने पिछला देखा था कि बीस लॉट से मैं एग्जाम्पल में करता हूं तो हम जो फर्स्ट इनिशियल है स्ट्रैंडल उसको दस लॉट्स पे डिप्लॉय करेंगे और अगर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो हम उसे डबल करके बीस लॉट पे करेंगे देर फोर दस लॉट से हमारा जो टारगेट है वो थर्टी थाउजेंड है और आई नो कि हमारा कैपिटल आइडल पड़ा है तो हम थर्टी या थर्टी फाइव थाउजेंड मैक्स करके Uh, इसको दैट विल बी आर टारगेट और ये टारगेट अचीव होते ही हम स्ट्रैडल की स्ट्रेटेजी को छोड़ देंगे तो आइए अब भी हम बैक टेस्ट करते हैं तो दोस्तों आ गए हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे हम ट्रेड्स uh, एग्जीक्यूट करेंगे अब जो फर्स्ट एग्जांपल है वो uh, मैं जो ले रहा हूँ वो फिफ्टींथ मे से मैं लेना चाहता हूँ फिफ्टींथ मे का एग्जाम्पल uh, सेट करके बिकॉज इसमें एक uh, बहुत बड़ा पोलिटिकल uh, इवेंट भी आने वाला है जो नेक्स्ट मंथ के सीरीज में है मैंने बार रिप्ले करके चार्ज को हाइड कर दिया है मेरा यह मानना है कि ऑप्स्ट्रा पे थर्टी थर्टी मिनट्स आगे करके दिखाना एंड बैकटेस्ट करना इज अ रॉन्ग वे ऑफ शोइंग बिकॉज कोई भी ट्रेडर मेरे जैसा भी जो भी ट्रेडर है हम ऑप्स्ट्रा पे ट्रेड्स नहीं लेते हम चार्ट को देख के ट्रेड करते हैं तो उसके लिए मैं आपको मेरे मैं जो करता हूँ मैं जो सोचता हूँ और चार्ट्स को देख के मैं क्या मैं क्या सोच रहा वो आपको दिखाना चाहता हूँ देरफोर लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको जैसे दिखाया था मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा तो देखिए फिफ्टीन मे को आ, सवा दस के आसपास हो गए जहां पे हम आ, ट्रेड लेंगे मार्केट अभी ट्वेंटी टू थाउजेंड वन सिक्सटी थ्री पे है नॉर्मली लास्ट वीक एक थोड़ा बुलिश बायस था बिकॉज हमें ये एक स्लाइड अपट्रेंड दिख रहा है फ्रॉम लास्ट मतलब लास्ट मंडे ऑनवर्ड्स इस हफ्ते में एंड एडीएक्स का भी जो इंडिकेटर है वो भी पॉजिटिव है मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूँ मुझे मार्केट में बुलिशनेस दिख रही है अब यहाँ पे हम एक द मनी स्ट्रेडल सेल करेंगे तो हम ऑप्स्ट्रा में आ जाते हैं इसको स्टार्ट डेट हम सिलेक्ट करेंगे आज की डेट विच इज फिफ्टींथ मे सिमुलेशन में आज की डेट तो हम फिफ्टींथ मे पे जाएंगे इस पर हम एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे जून मंथ की विच इज दी सेवन जून जून मंथ की मेन एक्सपायरी पे ऑफ डेट वो हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर रहे हैं। इसको 10, 22, uh, 22, है इसको टेन फिफ्टीन के आसपास में लेके जाके गेट ऑप्शन चेन ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड इज एट द मनी यहाँ पे ट्वेंटी टू थाउजेंड वन सिक्सटी फाइव है ऑब्बियसली ये नेक्स्ट मंथ का है तो uh, फ्यूचर में प्रीमियम होगा सो वील गो विथ दिस दिस इज द स्ट्रगल हमें जो रेंज दिस इज द रेंज हमें मिल रही है ट्वेंटी वन थाउजेंड जीरो सेवेंटी टू ऑन द डाउन साइड एंड ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑन द अप साइड तो अब ये रेंज को हम डिफाइन कर देते हैं इन द चार्ज इसको मैं खाली uh, दो लाइंस प्लॉट कर रहा हूँ ये जाएगा हमारा लोअर ब्रेक इवन पे विच इज ट्वेंटी वन थाउजेंड जीरो सेवेंटी सो ट्वेंटी वन जीरो सेवन जीरो एंड uh, ये जो है वो जाएगा हमारे अपर ब्रेक इवन ब्रेकिट इजी थ्री फाइव ट्वेंटी मैंने उसको जिस सिंपल राउंड ऑफ कर दिया देर इज नो रॉकेट साइंस टू डन तो ये हमारा मार्केट uh, में एक रेंज uh, आ रहा है राइट नाउ एज वी यूजली डू इधर इसमें प्लॉट करेंगे ऑन आर रेंज एंड माइंड यू दीज आर नॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसिस आर हमारे ट्रेड के लेवल्स ये इधर मैंने खाली थोड़े चेंजेस कर दिए हैं कि मैंने हाईलाइट खाली पॉइंट थ्री और पॉइंट फाइव का लेवल किया है बोथ साइड पे जैसे कि हमने स्ट्रैंगल के वीडियो में भी डिस्कस किया था इन दैट वीडियो वी डिस्कस कि हम पॉइंट फाइव के लेवल के बाद ब्रीच करेंगे बट जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि स्ट्रैगल विल फेल अर्लियर देन अर स्ट्रैंगल देर हम पॉइंट का जो लेवल है उस पर हम एडजस्टमेंट करेंगे देर आई वुड लाइक टू मार्क दीज लेवल ऑन द चार्ट हियर एंड हियर अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये सब ऊपर की बाकी सब लाइन और फिबोनाची ये सब डिलीट कर देता हूँ बिकॉज बाद में जाके कंफ्यूजन होगा और दूसरे दूसरे लेवल्स देख के दूसरा दूसरा मन करेगा ट्रेड करने को तो सिंपल ये हमारे पास रेंज आ गई जिसे मैं एक्सपैंड कर रहा हूं अब हम इसे बार बाय बार जाके देखेंगे कि जब ये पॉइंट्स अगर ब्रीच होती है तो हम इसे ट्रेड करेंगे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेड आगे लेके जाने से पहले देखो हमें बुलिश पोजिशन दिख रही है ये बुलिशनेस दिख रही है मार्केट में देर Uh, जो ये स्ट्रैडल है इसको हम एज अ स्ट्रैडल कैरी नहीं करेंगे क्योंकि आप मुझे जैसे जानते हो और मैं जो एडवोकेट करता हूँ uh, नॉर्मली के नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज डोंट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डायरेक्शनल बायस रखना ही पड़ेगा मार्केट में देर फोर ये स्ट्रैडल को uh, हम वन साइड पे हेज करेंगे समथिंग डू uh, एंड uh, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया था मैंने पहले क्यों नहीं किया क्योंकि मुझे ये रेंजेस चाहिए थी, थी जो यहाँ पे मार्क करनी थी अगर मैं इसे हेच कर देता हूँ तो मेरा अप साइड का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अंदर आ जाएगा जो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना था फॉर मार्किंग दीज क्योंकि मेरा प्री डोमिनेंट ट्रेड जो है वो स्टेटल है बट क्योंकि मुझे मार्केट बुलिस दिख रहा है उसकी वजह से मैं उसको बुलिस डरेक्शन पे हेच कर रहा हूँ राइट right? तो हमारा जो अपसाइड ब्रेकिबल पॉइंट है ट्वेंटी <coughs> उसको ट्वेंटी पे हम बाय करेंगे यही बाय सेम क्वांटिटी टेन लॉट एंड वी विल प्रोसीड विद ट्रेड सी अभी हमको अपसाइड रिस्क नहीं है हमारा एक पोजिशनल ट्रेड है ये ये इतना भी डायरेक्शनल नहीं है क्योंकि डेल्टा हमारा कम है बट ठीक है दिस इज वॉट दिस इज हाउ आई ट्रेड तो मैं आपको वो बता रहा हूँ अब हम नाउ uh, जैसे मैंने आपको बताया इसको आधा घंटा आधा घंटा आगे वन डे वन डे आगे करके कोई सेंस नहीं है मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि कहाँ पे हमारा ट्रेड फेल हो रहा है उस सिचुएशन पे क्या हो रहा है और उस सिचुएशन में क्या करना है तो इसको बार 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 आगे लेके जाएंगे और माइंड यू कि ये जो पॉइंट्स है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है ये हमारे ट्रेड के फेलियर पॉइंट्स है और वो ब्रीच होने पर ही हम इसको कुछ एक्शन लेंगे

और नीचे तक चले गया जो हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट है तो हम तो उसको एडजस्ट करेंगे हम उसको intra -day ले hedge, buy करेंगे करेंगे पूरा पूरा का पूरा shift करेंगे, या क्या करना है वो सिचुएशन uh, uh, आई नहीं वो ट्रेड करने के लिए देर फॉर वी विल कंटिन्यू विद ट्रेड वी आर ऑलरेडी इन फोर्थ डे द फोर्थ डे एम सॉरी एलेक्सा स्टॉप that's my uh market closure ka reminder because i'm shooting this video on a, a open market uh day uh so there you go अब ये देखिए नाउ द मार्केट इज ट्राइंग टू कम क्लोज टू अस बट हमारा पॉइंट ब्रीच हुआ है क्या नहीं तो हम अभी तक कुछ नहीं करेंगे अब आ गए हैं हम ट्वेंटी थर्ड मे पे नाउ दिस साइड सी इसने ब्रीच किया है टच किया है एंड अभी इधर नेगेटिव वापस आ रहा है तो वी विल हैव टू सी ऑन दिस डे के आगे क्या होता है अभी भी हमको हमारे लेवल के ऊपर क्लोज नहीं मिली है uh, ये तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो मुझे लगता है मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए बिकॉज देर इज मोर बायर्स इन द मार्केट देन सेलर्स दिस इज नॉट वॉट दिस इंडिकेटर मीन्स बट दिस इज हाउ आई रीड इट के बाइंग पावर ज्यादा हो रही है मार्केट में तो वी वेट फॉर वन कैंडल टू क्लोज अब अवर लेवल कम्प्लीटली दिस इज वॉट है हम ट्वेंटी थर्ड मे पे जाएंगे और मैं डे बाय डे जा रहा हूँ थोड़ा फास्ट जा रहा हूं ताकि आपका भी टाइम बचे क्योंकि ये तभी तक प्रोफिटेबल रहने वाली ही है बिकॉज हमारा रेंज अभी ब्रीच हुआ है तो उसको देख करके मतलब नहीं है आपको अगर चाहिए तो ट्वेंटी सेकेंड मे का मैं आपको लास्ट डे बता देता हूँ लास्ट डे का मैं थर्टी थर्टी मिनट करता हूँ माइंड यू हमारा टारगेट थ्री परसेंट का है फॉर लॉट्स जैसे मैंने आपको पहले बताया इस थर्टी फाइव थाउंड मैक्स वी आर वेरी क्लोज टू दैट देर फोर इन दिस सिचुएशन वी शुड नॉट डू समथिंग जिससे हम बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लीकेट करें या ओवर स्क्रू अप करें हमारे ट्रेड को तो ये ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी सेकेंड का दिन है इसको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ <coughs> ये आ गया हमारा ट्वेंटी थर्ड का दिन एंड दिस इज अराउंड इलेवन फिफ्टीन जहां पे हमें कंफर्मेशन मिल गई दैट आवर रेंज हैज फेल देर वी आर डूइंग दिस ट्रेड एडजस्टमेंट और हम आ गए हैं ट्वेंटी थर्ड को ना यू कैन ऑब्वियसली सी सिक्सा हुआ एट एटी सेवन पे हो गया थर्टी टू पे एग्जाम्पल वेपन स्ट्रगल की आपका कॉल साइट पूरा एक्सप्लोर हो गया पे आपका पूरा डीके नहीं हुआ है दैट इज वाई हमने जो पुट uh, uh, जो कॉल ऑप्शन बाय कर रखी थी दैट इज एक्सपेन्डेड फ्रॉम वन एटी सेवन टू टू सिक्सटी थ्री और उसने अभी तक हमको बचाया है <laughs> अगर आप देखेंगे ट्वेंटी का प्रॉफिट है उसमें थाउजेंड रुपीज बाय वाले ट्रेड में है। तो अगर ये नहीं होता तो अभी आप खाली थ्री थाउजेंड के प्रॉफिट में बैठे होते वट आई वुड डू राइट नाउ बिकॉज ये मार्केट इतना ऊपर जा चुका है ऑलरेडी और आपको जैसे पता है कि एक इवेंट बहुत बड़ा एक इवेंट आने वाला है इलेक्शन रिजल्ट वी आर ऑलरेडी ऑन ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड में अब इलेक्शन रिजल्ट में अनसर्टेटी है अनसर्टेटी में क्या होगा वीक्स एक्सपैंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि विक्स एक्सपेंशन इज समथिंग जो आप स्ट्रगल में यू कैन नॉट अफोर्ड टू कीप देयरफॉर आपको क्या करना है कि आपको अभी एक या दो दिन अगर आपको होल्ड करना है तो आप इसको होल्ड करोगे देयरफॉर एट दिस सिचुएशन स्ट्रगल को शिफ्ट करने से अच्छा आई वुड लाइक टू कन्वर्ट दिस इनटू अ कॉम्प्लेक्स ट्राइगल और मैंने आपको जैसे बोला कि कॉम्प्लेक्स टाइटल गलत हो सकता हूँ no बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स टाइटल क्या करेंगे हम जैसे हमारा ये वाला जो चैलेंज साइड है इसमें हम लॉस जो भी लॉस है वो लॉस बुक करेंगे ये एट पे ट्रेड कर रहा है इसको एट पे बुक कर लेंगे ठीक है ये जो थ्री है देखो अभी प्रीमियम इसमें बहुत ज्यादा है हमारे पास <coughs> और मार्केट बुलिश है माइंड यू तो 332 का जो है ना उसका हाफ के आसपास की कॉल में इसको सेल करूंगा 332 का हाफ अराउंड 150 160 के आसपास हो गया देखो ये राउंड नंबर मिल रहा है हमें 150 का <coughs> तो मैं इसमें ये सेल करूंगा सेम क्वांटिटी 10 लॉट्स अब ये एक जेड लिजर्ड हो गया है बराबर दिस इज जेड लिजर्ड क्योंकि हमने पहले ही डिप्लॉय किया था उसके लिए हमें ये ऐसा दिख रहा है बट दिस इज अ टेक्निकल क्लासिकल जेड लिजर्ड एग्जांपल और इसके ऊपर जो हमारे पास आधा कैपिटल बचा हुआ है वो यूटिलाइज करके हम इधर अभी एक स्ट्रेगल इनिशिएट करेंगे एट द मनी विच अपियर्स टू बी ट्वेंटी टू तो दिस इज टेन सेल सेलर कॉल साइड एंड टेन लॉर्ड सेल सॉरी ये ऑप्शन है ना थोड़े चेंजेस कर दिए उसकी वजह से थोड़ा दिस इज न्यू सिस्टम टू मी तो ये टेन लॉट्स मॉडिफाइड पोजिशन ना दिस इज वॉट दिस वुड लुक लाइक एंड दिस इज वॉट आई लाइक टू कॉल अ कॉम्प्लेक्स टाइल इसमें हमारे पास बाय ऑप्शन भी है ऑन द कॉल साइड टू से अप ट्रेंड विच इज एविंग इन द मार्केट हमारे पास एक स्ट्रेटल भी है एक स्ट्रैंगल भी है सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स ट्रेड माइंड यू अभी आपका पूरा कैपिटल डिप्लॉय हो चुका है और हमारा अभी जो टारगेट है हमारा टारगेट चेंज नहीं हुआ है हमें थर्टी से सिक्सटी थाउजेंड पे नहीं जाना है देर इज एब्सोल्यूटली नो रीजन टू बी ग्रीडी स्पेशली एक इवेंट आने वाला है हम अभी इस पे थर्टी अगर हमें थर्टी थाउजेंड या थर्टी टू थाउजेंड के आसपास दिखता है तो हम इसे बुक करेंगे अब माइंड uh, यू uh, हमारा जो uh, ये है अब हमें ये रेंज को भी रीडिफाइन करनी पड़ेगी हमारी ट्रेड पे सो वेयर इज द मार्केट राइट नाउ द मार्केट इज करेंटली एट दिस पोजिशन इसको इधर पुल करके ले आते आवर अपर ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द ट्रेड इज ट्वेंटी फोर वन थर्टी वन सो दिस विल गो टू ट्वेंटी फोर वन थर्टी ओके एंड जो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है दैट इज ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो दिस विल बी ट्वेंटी वन फाइव हंड्रेड सो सी वॉट यू हैव डन इपने अपनी रेंज को भी एक्सपैंड कर दिया है एंड आपने प्रीमियम भी ज्यादा उठाया है बट हम उसके बाद भी प्रॉफिट uh, नहीं कर रहे हैं वॉट वी विल डू इज मार्क आवर लेवल अगेन एज वी यू यूजली डू देन जो पॉइंट थ्री एट लेवल्स पे है उस पर हमारी ये करेक्शन जो हमारी पॉइंट uh, है उसको मार्क कर देंगे दीज आर आर पॉइंट्स जब भी अगर यहां पर आए तो हमें कंप्लीटली एग्जिट कर देना है ट्रेड से बिकॉज एक इवेंट भी आने वाला है एंड ओवर एडजस्टिंग एज समथिंग दगेंस्ट अगर नहीं चल रहा है ट्रेड तो जस्ट गेट आउट विद नॉमिनल प्रॉफिट टू फाइट विथ द मार्केट तो अब हम बार 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 देखेंगे कि हमारा पॉइंट uh, कभी ब्रीच होता है देखो मार्केट में बुलिशनेस है जो पहले से ही था एंड माइंड यू के ट्रेड एक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ एक इवेंट आने वाला है बहुत बड़ा तो वीक्स में भी शूटिंग अप अभी ये ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी अभी तक ये नॉन डायरेक्शनल ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको वापस से ये इधर आ गया ऑल आर थर्टी फर्स्ट में अभी मैं इधर इसको होल्ड कर रहा हूँ हालांकि आप इसको आगे लेके जा सकते हो यू कैन सी दिस सी दिस इज द वोट काउंटिंग डे देर फोर वॉ दिस वॉज अ डिफाइंड इवेंट जैसे हमने मैंने थेरी में भी आपके साथ बात किया था दिस इज अ डिफाइंड इवेंट इसको इधर तक होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ ना ये जो डाउन मूव आया है हमारे एडजस्टमेंट हमने एडजस्टमेंट इधर किया था राइट right? ये इतने के अंदर हमारा प्रॉफिट हंड्रेड परसेंट अचीव हो गया होगा सी दिस इसको आप अगर चाहिए तो थर्टी थर्टी मिनट करके देखते हैं सी विल गो ऑन दिस रादर देन लुकिंग एट द चार्ट ये थोड़ा हमारा प्रॉफिट पहले से कम हो चुका है ट्वेंटी थर्ड में दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइजिंग विक्स इसमें विक्स पूरा राइज हो रहा होगा और इसमें आपका जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो विक्स राइज होने की वजह से हो रहा है हमने थर्टी फर्स्ट मई तक है ना ओके इसको डे एक डे आगे करके देखते हैं। सी वो ये ये ही आसपास ही घूम रहा है एंड ये

के आसपास हो गया ये थर्टी फर्स्ट में है। अब कल इसमेंटी ट्वेंटी टू नाइनटी थर्टी थाउजेंड वन जीरो लकीर के फकीर बन गए थर्टी थाउजेंड तो आई गया है अब आपको ये पता है कि कल एक मेजर इवेंट आने वाला है क्या होने वाला है किसको नहीं पता है मंडे के दिन पे ऑब्वियसली कल by, कल आई मीन मंडे देर फोर इन सच ए स्ट्रेटेजी यू हैव अचीव योर टारगेट देर इज एब्सोल्यूटली नो रीजन टू बी इन द ट्रेड बट अगर आप मुझे बोलो कि क्या होता है आई वॉन्ट टू शो यू की इवेंट रिस्क क्या होता है दिस इज द इवेंट रिस्क इसको अगर डे प्लस करता हूं मैं <laughs> ये 31, तो है बट उस दिन का अगर आप स्विंग्स uh, uh, देखोगे इसके बाद स्विंग इट्स गोइंग टू बी क्रेजी और शायद से तो लॉसेज या लैक्स में भी जाएगा क्योंकि जैसा कि मेमोरी सर्स में उस दिन तो पॉजिटिव था प्राइस मूवमेंट और नेक्स्ट डे कम्प्लीट क्रैश आया था दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग ऑफ तो रिमेंबर के हमने कम्प्लीटली ट्रेड एग्जिट कर दिया है मैं आपको एक फन के हिसाब से ये दिखा रहा हूँ हम नेक्स्ट फोर्थ जून पे आए हैं ये फोर्टी फोर थाउजेंडी थ्री सी अभी ये नेगेटिव जाना चालू कर दिया यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द मार्केट विद दिस लॉस सी वन लाख रुपीज का लॉस दिखा रहा है वो आप मार्केट में बैठ ही नहीं पाओगे इतने लॉस के साथ तो दिस इज वॉट आई मीन के uh, आपका एक फिक्स टारगेट का रेंज होना चाहिए एंड इवेंट रिस्क दिस इज वाई आई चोज दिस एग्जाम्पल

Uh, जो कि मैं आपसे आगे बातों बातों but you will see में डिस्कस करूंगा बट यू विल सी इसमें हमें टेन परसेंट की मूवमेंट आएगी फाइव सिक्स परसेंट सेवन परसेंट की मूवमेंट आएगी मार्केट में एंड उस फाइव सिक्स परसेंट के मूवमेंट में भी स्ट्रैडल यूज करके भी हम प्रॉफिटेबल कैसे निकल पाएंगे सो so, uh, जैसा कि दी वेरिएबल्स अकाउंट टू बी द सेम जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि हम पंद्रह तारीख के आसपास डिस्कस करेंगे स्टार्ट uh, करेंगे फॉर नेक्स्ट मंथ सीरीज उसके लिए मैंने पंद्रह नवंबर पंद्रह नवंबर का टाइम सिलेक्ट किया है बराबर एंड अब हम ऑस्ट्रा में जाएंगे एंड इसमें सिलेक्ट करेंगे फिफ्टीन नवंबर फॉर दी नेक्स्ट मंथ का पे ऑफ डेट विच इज ट्वेंटी एट दिसंबर एंड ट्वेंटी एट दिसंबर एक्सपायरी राइट अब हम एक्सक्यूज <coughs> नॉर्मली जैसा करते हैं कि सवा दस साढ़े दस के आसपास हम एक स्ट्रैडल इनिशिएट करेंगे पुट uh, ऑप्शन है right? तो ये कुछ तो मेरे से गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन ने अपना कुछ चेंज किया है ना आई नॉट येट गॉट यूज्ड टू इट सो आई अपॉलोजाइज ये हमारा स्टार्टिंग हो गया राइट right? अब लेट्स मार्क आर लेवल्स एंड सी वेयर द मार्केट इज हाइट मैं जस्ट एक दो कैंडल आगे कर देता हूँ ये सवा दस की कैंडल हम अभी uh, यहां पे है विच इज नाइनटीन अब <coughs> सुपर ट्रेंड में हमें पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये सब दिख रहा है बारह नवंबर को दिवाली थी ऑब्बियसली ये साइडवेज है बट आप बेसिक अगर टेक्निकल थोड़ा सा अगर जूम इन जूम आउट करके देखोगे यू कैन क्लियरली सी दैट मार्केट इज इन अस्टैब्लिश्ड अपट्रेंड अब इस्टेब्लिश्ड अपट्रेंड में हम क्या करेंगे कि हम अपना अपसाइड को प्रोटेक्ट करेंगे हाल ही में आप ये भी देखोगे तो आज भी हमें प्लस ही दिखा रहा है मार्केट और एडीएक्स का जो हमारा स्ट्रेंथ इंडिकेटर है दिस इज ऑल्सो शोइंग बुलिशनेस और बाइंग इन द मार्केट बाइंग प्रेशर राइट सो बट वो करने से पहले हम हमारे स्ट्रेडी के लेवल्स को मार्क करेंगे आई हैव ऑलरेडी मार्क द करेंट लेवल आई विल जस्ट क्रिएट टू लाइन आउट हियर हमारा लोअर ब्रेक इवन है <coughs> 19,166 पे आई विल सिंप्लीफाईड टू नाइनटीन थाउजेंड वन सिक्सटी ओके एंड जो अपर ब्रेक इवन है दैट इज एट ट्वेंटी थाउजेंड टू थर्टी फाइव आई विल सिंपाईट विद ट्वेंटी थाउजेंड टू थर्टी ओकेर रेंज ऑफ द ट्रेड जो हमारा स्ट्रेडल के ब्रेक इन पॉइंट है राइट वॉट वी विल डू हर वी विल मार्क आयर फीबोनाची लेवल फ्रॉम दिस टू देंट मार्केट प्राइस एज वी यूजअली डूर इट इज एंड अभी uh, जो हमारे थर्टी एट परसेंट के लेवल्स है उस उसपे हम ये लाइन को लेंगे हियर यू गो ऑन दिस साइड एंड हियर यू गो हियर ओके अभी फॉर द सेक ऑफ आई विल डिलीट एवरीथिंग नाउ दीज आर दी एक्शन पॉइंट एक्शन पॉइंट लेवल्स माइंड यू दीज आर नॉट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिस इज दी पॉइंट्स जहां पे हम कुछ एक्शन लेंगे या तो हम ट्रेड छोड़ देंगे या हम उसको बैलेंस uh, करेंगे या हम जो भी करना है हम उसको फायर फाइटिंग करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे जो भी करना है बट ये लेवल के आने तक ही करना है बट बिफोर दैट एज आई टोल्ड यू कि ये डायरेक्शनल ट्रेड डायरेक्शनल मार्केट है देर फोर वी विल गो एंड ट्वेंटी थाउजेंड टू थर्टी फाइव हमारा अपसाइड पे ब्रेक uh, इवन है एज यू कैन सी सीयर वी विल गो एंड बाय ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड कॉल वॉट एव आर द प्राइस इट इज ट्रेडिंग एट नाइन्टी फोर रुपीज वी विल बाय

एंड अब हम आ, चार्ट बाय चार्ट टिक बाय टिक या बार बाय बार देखेंगे इस पे ऑप्स्ट्रा पे देख के कुछ सेंस नहीं है बिकॉज वहां पे देख के कोई ट्रेड नहीं करता है हम ट्रेड करते हैं चार्ट को देख के देर फोर वी विल चार्ट एंड अगर इसमें अगर किधर ब्रेक इन ब्रेक आउट ब्रेक इन आ, ब्रेक डाउन कुछ भी आता है तो हम देखेंगे दिस इज वॉट आई मेन्ट मैं आपको क्या बोल मैंने आपको पहले भी क्या बोला था कि अगर ब्रेकआउट होता है तो एक तो एक कैंडल तो पॉजिटिव उसके अब चाहिए वो लेवल के ऊपर टू कंफर्म वो वो ब्रेकआउट हुआ भी है। वो होता भी है है होता तो भी हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे उसको टेम्पररी टिल द एंड ऑफ द डे अगर ये डे एंड के टाइम पे हो गया तो ऑब्वियसली हमको कुछ करना पड़ेगा बट स्टार्टिंग ऑफ द डे में गैप अप गैप डाउन कुछ हो रहा है तो हम एक टेम्पररी एडजस्टमेंट करेंगे <coughs> इस सिचुएशन में वो हुआ ही नहीं ये पौने तीन बजे सवा दो बजे के आसपास ये हुआ उसके बाद मार्केट हैज कम्प्लीटली रिवर्स हमको कुछ देखने को मतलब नहीं है ट्रेड अब हमारा ट्रेड चल रहा है 22nd अभी तक कुछ नहीं हुआ है सी द सेंटिमेंट इज ऑल्सो बुलिश अब ये क्या था कि जब से हमने ट्रेड दिया है, तब से ये ब्रेकआउट आया अपवर्ड मोमेंटम और ये कंसोलिडेशन चल रहा है उसके लिए यू कैन सी सुपर ट्रेंड प्लस माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है बट यू सी द अभी भी कंसेंसेस इन द मार्केट इज टूवर्ड द बाय साइड ओनली बट ये एक ब्रेकआउट दे रहा है एंड उसके नेक्स्ट कैंडल एक भी ग्रीन कैंडल ये बंद होने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर सस्टेन होनी चाहिए फिर ही मैं उसे मेरे लेवल्स का ब्रीच पकड़ूंगा जो अभी तक नहीं हुआ है आगे देखते हैं क्या होता है

ट्रेड आई एम री आईटी रेटिंग माई सेल्फ इज थ्री परसेंट विच कम्स टू अबाउट थर्टी थर्टी टू थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड टॉप थर्टी थाउजेंड पे ही मैं इसे बुक आउट कर लूंगा बट लेट सी के ये होता है क्या टू एट दी एंड ऑफ द डे नहीं ज दिचुएशन हम uh, हमने जैसे लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स ट्रैगल किया था इस टाइम वो करने की जरूरत है कि नहीं तो एज यू कैन सी हमने जो कॉल ऑप्शन थ्री वन एट पे बैठा था वो फोर फोर्टी थ्री पे है तो ऑब्वियसलीज इन डेट पुट ऑप्शन एंड ऑब्वियसली हो रहा है ना द, 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 मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ स्वेल नहीं हुए बट एज यू कैन सी ये जो कॉल ऑप्शन है वो तो हम एग्जिट करेंगे राइट लेट मी जस्ट गो एट एंड एग्जिट दिस एट फोर फोर थ्री द राइट फोर 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 वा वॉट नंबर शगुन का नंबर आ गया फोर 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 का एंड अब देखो ये हंड्रेड एंड इलेवन हंड्रेड एंड टेन रुपीज का आई वुड नॉट वॉन्ट टू प्ले विद हंड्रेड रुपीज देखो हम तीन सौ तीन सौ चार सौ चार सौ रुपए के ऑप्शन सौ रुपए का ऑप्शन कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है देर फोर आई विल नॉट कन्वर्ट दिस अ कॉम्प्लेक्स टाइट लाइक आई वॉन्ट टू कॉल वैसे भी हमारा कॉल साइड पॉजिटिव है मार्केट हमने जब से यहाँ से लेट मी जस्ट मार्केट हमने यहाँ से ट्रेड लिया है मार्केट हैज बीन गोइंग इन अप अप्रेड अप ट्रेंड मार्केट में पॉजिटिव बुलिशनेस है तो मैं इसको दूसरी तरीके से खेलना चाहूंगा मैं क्या करना चाहूंगा कि क्योंकि ये प्रीमियम बहुत कम है इसको मैं बुक कर दूंगा ट्रिपल वन पे अरे ये भी शगुन वाला नंबर आ गया ये ट्रिपल वन पे बुक करूंगा एंड गेट ऑप्शन चेन और इसके ऊपर मैं नॉर्मल स्टैंड एक्सिक्यूट करूंगा अगेन नॉर्मल जो दस क्वांटिटी है वही मेरे को क्योंकि फोर्स एडजस्टमेंट्स नहीं करना है मेरे को डबल डाउन ट्रिपल डाउन मेरे ट्रेड में नहीं करना है अभी व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन माय एक्सक्यूज मी व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन माय फेवर इट इज ऑलरेडी इन सेवेंटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड प्रॉफिट विच इज वेरी क्लोज टू माई टारगेट ऑफ थर्टी थाउजेंड आई डोंट वॉन्ट टू प्ले अराउंड एन ओवर ट्रेड राइट तो जो भी एट द मनी कॉल है उसको मैं सेल करूंगा टेन लॉट्स थ्री हंड्रेड रुपीज के प्रीमियम के साथ एंड एट द मनी पुट है उसको सेल करूंगा वन सेवेंटी टू रुपीज के प्रीमियम के साथ सी मार्केट इतना बुलिश है उसकी वजह से कॉल साइड पे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू पुट साइड बट हमारा जो बाय मैंने कुछ तो वापिस गलत किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट ये देट या का कुछ है या बट हमने जो ऑप्शन बाय कर रखा है नाउ यू सी ऑन दी अपसाइड वी आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड एंड वी वी विल हैव अ प्रॉफिट अगर मार्केट कितने भी ऊपर चली जाए आर प्रॉफिट टारगेट ऑफ थर्टी वन थाउजेंड रुपीज इज गारंटीड नाउ एंड दिस इज अ गारंटीड ट्रेड अब अब इसमें क्या करेंगे देर इज एप्सोल्यूटली नथिंग टू डू आज की तारीख क्या है ट्वेंटी एट नवम्बर द रीजन फॉर मी टू सिलेक्ट दिस एग्जाम्पल इज आपको पता होगा कि इस टाइम क्या हुआ था मार्केट में इट वॉज द फाइव स्टेट इलेक्शन और आई थिंक सेकंड या थर्ड या फोर्थ को दिसंबर को रिजल्ट आए थे एंड द मार्केट हैिवेन अप ऑफ सो लेट्स वर्क आउट इन दार्ज अभी मैं ये लेवल को एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो हमको हमको कुछ डाउनसाइड रिस्क नहीं है द मतलब इतना मार्केट रिवर्स करेगा वो हमें पता ही चल जाएगा एंड अपसाइड साइड हमें कोई रिस्क नहीं है देर फॉर दिस इज नॉट टू फिबोनाची लेवल प्लॉट करने की भी अभी जरूरत नहीं है वील जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड सी इसमें क्या होता है और हमारा टारगेट आई थिंक इमिजिएटली एक या दो दिन में ही आ जाएगा सी द नेक्स्ट डे ऑल्सो द बुलिशनेस इज कंटिन्यूइंग

टू ऑप्शन अगेन आप वापिस से इसको एडजस्ट कर लो स्टैडल को या आ, ये जो अभी आपको 20, दिख रहा है वो तो वी कैन सी बिकॉज थीटा डीके और ये सब होने के बाद एज यू कैन सी द ब्लू लाइन विल कोलैप्स ओवर द ग्रीन लाइन और वो थर्टी थाउजेंड पे चले जाएगा वी कैन वेट एंड वॉच के मार्केट में क्या चल रहा है सी दिस इज दिसंबर का

आई फील कि ये जो हुआ है ना मार्केट में विल दिस इज ट्रिगर क्योंकि बीजेपी अपने चारों स्टेट के इलेक्शन जीत के आई है एंड देरफोर ये जो मैक्रो ट्रिगर्स इस टाइप के होते हैं ना वो और बुलिशनेस लेके आते हैं ये जो ऐसा ये रिवर्सल के चांसेस के बहुत कम है कि जो मेरा ये सेल साइड का प्रीमियम है इसमें उसको मैं बैक स्प्रेड कर सकता हूँ इन दैट सेंस इन इन सेंस जो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा कॉल साइड पे uh, जो मेरा ये है थ्री uh, हंड्रेड रुपीज का मेरे पास क्रेडिट है वो अभी ऑब्वियसली लॉस पे ही चल रहा है बट ये मैं क्रेडिट को यूज करके आई कैन बाय स्टार्ट बाय वेरियस कॉल ऑप्शन बट यू सी माई स्टार्टलाइसलीटली फेल ये फाइव हंड्रेड सिक्सटी एट एंड नाइन्टी रुपीज के हिसाब से तो एट दिस टाइम इट वुड बी मोर वाइज कि जो बाय पोजीशन है उसको तो हमें छोड़नी नहीं है कतई नहीं छोड़नी है उसको हम कैरी करेंगे ये जो है इसे हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं थ्री हंड्रेड एंड सिक्स रुपीज थ्री हंड्रेड पे इसे भी हम बुक कर सकते हैं इस ट्रैवल को नाइन्टी रुपीज हम अभी क्या करेंगे सी, हम इसमें भी ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं एंड एक कुछ तो गलत हो गए ओह सॉरी मैंने ये थ्री जीरो सेवन डाल दिया गलती से फाइव सिक्सटी एट फाइव सिक्सटी नाइन फाइव सिक्स नाइन ठीक है सो so, हम इसमें अभी ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही है हम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के प्रॉफिट में हैं। हम वापस से इधर स्टाइट री करेंगे सेम इससे बट अभी हम जो ये हेज है ना इसको हेज को हम बुक कर लेंगे इधर एंड वी विल काइंड ऑफ री डिफाइन आवर रेंजेस एंड फिर हम हेज को वापस बाय करेंगे बेसिकली वो हेज रहेगा ही बट मैं ऑपस्ट्रा में हूं आपको दिखा नहीं सकता हूं इधर मैं अगर इसको डिलीट करूंगा तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा बट लाइव मार्केट में ऑप्श्रा में ऑप्शन है यू कैन जस्ट डिसेबल दैट वो चेक टिक बॉक्स होता है उसे आप डिसेबल कर दोगे तो वो वाला ट्रेड छुप जाता है और आपको आपकी रेंज मिल जाती है देरफोर इसमें <coughs> अभी हम एट द मनी का कॉल एंड पुट वापिस से बाय करेंगे सॉरी so, सेल करेंगे टेन टन लॉट चीज जो हम कर रहे हैं

तो मैं ये जो हमारी सेंटर लाइन है उसे लेके आऊंगा यहाँ पे हियर यू गो अब मेरा जो ट्रेड है उसका ब्रेक मेरा नाइनटीन एट नाइनटी वन सो दिस वुड बी नाइनटीन एट नाइन जीरो दिस वन वुड बी ट्वेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड टेन ट्वेंटी थाउजेंड नाइन वन जीरो आपको अभी ये एक रेंज मिल रहा है मुझे ये स्लाइटली बैरिक स्ट्रेट दिख रहा है बिकॉज ऊपर हमारे पास कम रेंज है नीचे ज्यादा रेंज है बट ऑफ्राइज शोइंग एज फार एज डेल्टाज इज कंसर्न ये नॉन डायरेक्शनल है बट ऑब्वियसली ये डायरेक्शनल पॉजिटिव हो जाएगा जब हम हमारा हेज uh, वाला वापिस एड करेंगे वट वी विल डू इज नाउ मार्क फिबोनाची लेवल अगेन ठीक है एंड देन गेट दिस हियर गेट दिस डिलीट डिलीट ओके सो आर आर एक्शन पॉइंट्स एंड अभी मैं वापस इसमें जाके इसको मैं जीरो कर दूंगा क्योंकि वी आर कैरिंग फॉरवर्ड विद दिस पोजीशन सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक सो देयरफॉर यू सी नाउ यू आर गारंटीड ऑलमोस्ट लाइक अ गुड प्रॉफिट ऑफ

जो हमने ये कॉल बेच रखी थी वो फोर नाइनटी टू जाके इसमें वन लाख थर्टी फोर थाउजेंड का लॉस होने के बाद भी हम लाख ट्वेंटी थाउजेंड के ओवरऑल प्रॉफिट में मार्केट मूविंग अप लाइक क्रेजी दैट वाज़ एक्सपेक्टेड सिंस द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड इफ आई कुड जस्ट शो दैट टू यू अगर इधर के लो से इधर का हाई तक करेंगे मार्केट हैज मुड टू पॉइंट सिक्स सिक्स 6.3% still we have made a profit and this time we have not only made a profit we have made a super bumper profit. So actually ये तो इधर book करना तो बनता ही है immediately. But this is what I wanted to show you कि अगर आप एक basic technical analysis trend following system follow करो तो even a strategy like a straddle जिससे सब लोग डरते हैं वो डरने की कोई जरूरत नहीं है आप उसको अच्छे से manage कर पाते हो. You just need to know what adjustments you need to do. तो दोस्तों देखा आपने ये जो आ, पूरा मैंने आपको तीन एग्जांपल्स के थ्रू दिखाया वी वी सॉ के हमने पोजीशन ली उसके बाद मार्केट अप टू टेन परसेंट इलेवन परसेंट तक की मूवमेंट दी हमने उसे भी डाइजेस्ट किया एंड दैट उसमें बिकॉज देर वाज़ अ ग्रेट इवेंट ऑफ फाइव स्टेट इलेक्शंस तो हमने हमारा टारगेट तो लेके हम निकल गए बट अगर नहीं लिया होता तो आपने वो भी देखा क्या आ, हमारे साथ हस होता देर फोर यू नो विद स्टेडल यू नीड टू बी वेरी निम्बल फुटेड एंड दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू विद दोपल्स बट आपने जैसे तीनों एग्जाम्पल में देखा कि मार्केट में मूवमेंट आ रही है तो भी हम प्रॉफिटेबल रह रहे हैं मार्केट में नहीं आ रही है मूवमेंट तो भी हम थ्री परसेंट कंसिस्टेंटली मार्केट से लेके निकले ऑन अ मंथली बेसिस तो एक ये चीज में मेरे को आपको आज दिखानी थी मेरे वीडियो के माध्यम से एंड आई होप आप आपको इस चीज में समझ में आया है कि जो बोला जाता है मार्केट में कि अनलिमिटेड लॉस है ये बहुत अनलिमिटेड रिस्क है ये सब है जैसे मैंने आपको बोला रिस्क उसी से होता है कि आप जो आप चीज करते हो जिसका आपको नॉलेज नहीं है ये नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एज अ होमवर्क आप इसमें कर सकते हो कि आप इस चीज को बैक टेस्ट करो और इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे बताइए कि आपको किस वीक में प्रॉब्लम हो रही है या किस महीने या किस साइकिल में आपको बैक टेस्ट करते समय आपको ये नहीं आप मैनेज कर पा रहे हो या आपको लॉस दिख रहा है तो मैं आपको रिप्लाई करके या वीडियो के माध्यम से या चैट के माध्यम से मैं आपको ये बता दूंगा कि इस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हो तो ये भी आप एक ट्राई कर सकते हो तो आज मुझे आपसे यही डिस्कस करना था मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में मैं स्ट्रेटेजीज के ऊपर और भी काफी अच्छी न्यू वीडियोस लाने वाला हूँ तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल थैंक यू जय हिंद जय सियाराम